ये क्या जोर जबरदस्ती है? जोर जबरदस्ती नहीं, मर्जी है भाई तुम्हारी। अपने भाई के गले मिलना चाहते हो या उसकी अर्थी कंधे पर उठाना चाहते हो? क्या मतलब भाई? मतलब समझाओ इन्हें। इसे अंदर ले जाओ, अपने आप समझ आएगा। अरे अरे चल अंदर, सब पता चल जाएगा। चल। अरे देख राजाराम, अरे हराम खोरो, इसे क्यों पकड़ रहा है? सारे लोग तेरे को भी पकड़ के ले। एक बात सुने राघव, एक बात याद रखना, ये लोग जोर जबरदस्ती करके तेरे से कुछ करवाएंगे तो करना नहीं है। तू मेरी जान की परवाह नहीं करना, मर जाने देना मेरे को। नहीं करूंगा, चल, चल, नहीं करूंगा। दरवाजा बंद कर। नहीं करना है, बिल्कुल नहीं करना है, नहीं करूंगा। चल, चल, चल। मतलब समझ गया मास्टर। मगर ये मेरे भाई राजाराम को क्यों पकड़ रहा है आप लोग? उसका राम नाम सत्य करने। और उसने किया क्या? उसने कुछ नहीं किया, करेगा तू। कमिश्नर के घर जाकर अनीता को संदेश देगा कि विजय बाहर उसका इंतजार कर रहा है, फुसलाकर उसे बाहर कार तक ले आना, बाकी काम नागेश करेगा। मैं तुम लोगों का मतलब समझ गया, मैं ये पाप हरगिज नहीं करूंगा। पाप तो आज शहर में होगा मास्टर, तू नहीं करेगा तो हम करेंगे। भैया जा हेडमास्टर को भी लिया। अरे जिंदा उठाकर लाने की क्या जरूरत है, वही मार दो और लाश उठाकर यहाँ ले आओ। और सुनो, वो किचन में जाकर गैस ऑन करो, वो साला चपरासी भी दम घुटकर मर जाए। जाओ। अरे ऐसा क्या करते हैं, ऐसा जुल्म मत कीजिए। अरे नहीं भाई, देखिए आप इंसान हैं, ऐसे जानवरों की तरफ बर्ताव मत कीजिए। बंद करो, बंद करो, मुझे तुम्हारी इज्जत मंजूर है, मुझे तुम्हारी इज्जत मंजूर है। मैं करूंगा तुम्हारा काम, मैं करूंगा तुम्हारा काम करूंगा। मेरे भाई को छोड़ दो, छोड़ दो मेरे भाई को। मिस्टर विजय, तुम्हें गिरफ्तार किया जाता है। गिरफ्तार मुझे? हाँ हाँ तुम्हें। किस जुर्म में इंस्पेक्टर? कमिश्नर मल्लिक की बेटी अनीता को किडनैप करने के जुर्म में, समझे? अनीता को किडनैप कर लिया? क्या बकवास कर रहे हैं आप? मेरी बकवास तो तुम्हें थाने चलकर समझ में आएगी। मेरी शराबत तुम्हें रास नहीं आ रही ना कमिश्नर? एक जायज सलाह दी थी, तुमने उसे नजरअंदाज कर दिया, अब मेरी ललकार का अंजाम भी देख लो। अंजाम की बारी तो अब तुम्हारी है देवा। विजय को गिरफ्तार कर लिया गया है। किस कानून के तहत? किस कानून के तहत तुमने विजय को गिरफ्तार किया है? अनीता को किडनैप करने के जुर्म में। अनीता को किडनैप? विजय तो मेरे साथ था। तुम्हारे साथ नहीं, तुम्हारे भांजे को यह हौसला दिया है जो उसने कमिश्नर ऑफ पुलिस की बेटी को किडनैप किया है। अगर विजय ने अपने तुम्हारे जुर्म में तुम्हारा नाम ले लिया देवा, आई प्रॉमिस यू मैं खुद अपने हाथों से तुम्हें हथकड़ियां लगाऊंगा। तुम्हारे कानून के पास वो गारा, वो चूना, वो सीमेंट नहीं जो मुझे या विजय को कैद करने की दीवार खड़ी कर पाए। Don't dare challenge me, देवा। Don't dare challenge me। सर, कुछ आदमियों ने पुलिस जीप पर स्मोक बम से हमला किया और विजय को फरार करके ले गए। What? और ये पर्चा पुलिस जीप से देवा के नाम का मिला है सर। मेरे नाम का पर्चा? देवा, तुमने विजय को फरार करवा के उसे कानून की नजरों में गुनहगार साबित कर दिया है। मैं आपके सामने खड़ा हूं और मैंने किया। Yes! मैं तुम्हें उस दर्जे का गुनहगार मानता हूं कि
एक ही जगह रहकर एक ही वक्त तुम 10 गुना कर सकते हो। अरेस्ट दिस मैन। कमिश्नर, अगर तुम अपनी सरकारी ताकत आसमाने पर उतारोगे तो मेरी गैर सरकारी ताकत दंगा खून खराबा मचा देगी। कमिश्नर साहब, क्यों आपने मेरे बेकसूर बेटे को गिरफ्तार किया? उसने मेरी बेटी को अगवा किया है। नहीं, विजय ऐसा नहीं कर सकता। तुम्हारा बेटा भले ही ऐसा ना कर सकता हो, लेकिन देवा का भांजा ऐसी घिनौनी जुर्रत जरूर कर सकता है। कहाँ है विजय? अब तक तो वो पुलिस की हिरासत में था, लेकिन अब वो अपने मामा की हिफाजत में है। अरे, तेरी परछाई से भी दूर बसाई थी मैंने अपनी दुनिया, तेरे साए से भी दूर रखा था मैंने अपने विजय को, पर तू एक बार फिर मेरी दुनिया निकल गया। क्या बिगड़ा था रे मैंने तेरा? बोलने क्या बिगड़ा था तेरा? क्या यही सजा है एक कुक से जन्म लेने की? दीप्ति, मुझे सब मतलब आपकी गंदी जुबान पे मेरा नाम बोल, कहाँ छुपा के रखा है तूने मेरे विजय को? बोल ना, सारी गोलियां उतार दूंगी तेरे सीने में। वाह 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 वाह, बहुत खूब, चलाओ गोली अपने भाई के सीने पर और एक नया इतिहास लिख दो कि बहन के हाथों भाई की हत्या। और आप कमिश्नर साहब, गिरफ्तार कर लीजिए देवा को, गिरफ्तार कर लीजिए देवा को और यह साबित कर दीजिए कि हिंदुस्तान में फूट डालकर शासन चलाना कितना आसान है। Stop all this lecturing, पाटिल। साफ साफ बताओ किन चालों की बात कर रहे हो तुम? याद है मैंने आपसे एक फाइल का जिक्र किया था सर, इससे पहले कि आप उन मुजरिमों तक पहुंच पाते, उन लोगों ने जहर का बीज बोकर आपको और देवा को जाती जिंदगी में उलझा दिया। अनिता को अगवा विजय ने नहीं किया सर। तो फिर ऐसी हरकत किसने की होगी? उन्हीं लोगों ने जिन्होंने ये साजिश रची विजय को फरार करने की, ताकि अनिता के अगवा होने का शक विजय पर और विजय के फरार होने का इल्जाम देवा पर आ जाए। किन सबूत के बिना पर तुम जो दावा कर रहे हो? सबूत नहीं सर, सबूत नहीं, सच्चाई है ये और मुझे पूरा यकीन है। रुक जाओ देवा, तुम यहां से नहीं जा सकते। इसे जाने दीजिए सर। रुक जाओ देवा, वरना मुझे गोली छोड़नी पड़ेगी। रुक जाओ, मैं कहता हूं। पाटिल, मैं कहता हूं, हट जाओ मेरे रास्ते से, हट जाओ। इस बदतमीजी की सजा तुम्हें मिलेगी पाटिल, बहुत जल्द तुम्हारी वर्दी पर ये सितारे नहीं रहेंगे। सर ये काम आप बेशक कल कर लीजिएगा, लेकिन बेहतर होगा कि मौके वारदात पर हम देवा के पीछे चलें, क्योंकि एक गुनहगार को ही गुनहगारों के अड्डे का पता होता है और देवा जिन लोगों को बचाने गया है उनमें आपकी बेटी और आपका बेटा भी है। सब पता चल जाएगा, चल। लानत है तेरे ऊपर मर्दूत। अबे मेरे को जिंदा रखने के लिए तूने इस मासूम बच्ची को फंसा दिया, अरे तेरे जैसे कायर बुजदिल को भाई कहते हुए शर्म आती मेरे को। कायर तो हूं, बहुत बड़ा कायर हूं मैं। बेटी मुझे क्षमा कर देना, इन लोगों की धमकी देने पर मैं झूठ बोलने पर मजबूर हो गया। मैं तेरा गुनहगार हूं बेटी, मुझे माफ कर दे, मैं तेरा गुनहगार हूं। तुमने जैसा कहा मैंने वैसे कर दिया, अब चाहो तो मेरी जान ले लो मगर इन दो बच्चों को छोड़ दो। बदक के बच्चे को तैरना सिखा रही है, छोड़ दूं? क्यों छोड़ दूं, कैसे छोड़ दूं? अरे तुम लोग तो बराती हो नागेश और अनीता की शादी के, अभी तो एक और बहुत ही खास बराती आर्या होगा। अब आया है साला ऊंट पहाड़ के नीचे, बांधो लौंडे को। उलंग तेरा ये खतरनाक खेल एक दिन तेरी मौत का खेल बन जाएगा, याद रखना। देवा की एक दिन ऐसी बिजली तेरे ऊपर गिरेगी कि तेरा खा खानदान कोयले के मागे जलकर खाक हो जाएगा। तू भी बतख के बच्चे को तैरना सिखा रिया है।
कमिश्नर ने तो अब तक देवा को हवालात के हवाले कर दिया होगा। अब देखना इस भुजंग की राजनीति का डायरेक्ट टेलीकास्ट। अनीता की शादी अपने लौंडे से करने के बाद मैं तो यहां से परिवार समेत रफू चक्कर हो जाऊंगा। दो दिन के बाद अनीता के कपड़ों में किसी और लौंडिया की कुचली हुई लाश पुलिस बरामद करेगी और चार दिन के बाद विजय की लाश किसी सड़क पर पाई जाएगी। कमिश्नर यह समझेगा कि देवा ने उसकी लौंडिया को मार डाला और देवा यह समझेगा कि विजय को मारकर कमिश्नर ने उससे बदला ले लिया। बांधो प्रोफेसर को और पंडित को बुलाकर इनकी तबाही का कार्यक्रम शुरू करो। अरे मैं ये शादी नहीं कर सकता यार। अरे नहीं कर सकता, कोई जबरदस्ती क्या? मैं ये शादी नहीं कर सकता। अबे कैसे नहीं करेगा तू शादी? अरे जजमेंट में पहले वाली से परेशान, दूसरी शादी के चक्कर में कहाँ फंसा रहे हो तुम मेरे को? तुझे शादी करनी नहीं, करानी है। करानी है तो साला बोलेगा नहीं, यहाँ तो धंधे की बात हो रही है। मगर जजमेंट आज का दिन शादी के लिए अच्छा नहीं है। आज से 9 दिन के बाद शाम को 6 बजे जो मुहूर्त आता है ना, वो बहुत उत्तम है। अबे ओ उत्तम मदम, शादी अभी इसी वक्त होगी। अभी इधर किसी दुश्मन की शादी करा रहे हो क्या? चुबे, शादी मेरे इकलौते बेटे की है। अच्छा अच्छा, तो फिर ये पनौती लोगों का कुछ जमा किया हुआ है? पनौती ये यमराज के खबरी खड़े, इनको बाहर निकालो। ये बाहर नहीं निकलेंगे, वरना ये खबरी बाहर जाकर हमारी खबर फैला देंगे। अरे कम से कम इनको नजर के सामने से तो हटाओ, वरना ये लोग इतने मनुष्य का जुदूला मंडप में बैठेगा डायरेक्ट करती पे राम नाम सत्य कराने का क्या? अच्छा ठहरो, मैं जरा ये लोग की पनौती उतार के आता हूँ। जरा बाजू हटो तो। ओम श्री क्रीम रोम गेहूं चावल मूंग गेहूं, तेरे को मैंने तेरे देखा है। अबे तू चुप, मैं इनको फेरों के चक्कर में फंसाता हूँ। तू यहाँ से निकलने का चक्कर करा, मगर जल्दी करा, बहुत खड़ूस आदमी है। जा हट। पनौती भूतनी प्रेतनी छुड़ेलनी बर्बाद कर डालूंगा। डरना मत, मैं तुम्हारा पुलिस वाला हूँ। मसला मत, पुलिस वाला हट। पनौती जला दूंगा, शमणा निकाल दूंगा, घुस भर दूंगा, बर्बाद कर दूंगा। मैं तेरा पुलिस वाला हूँ, डरना मत। ये कौन है? अरे बोला ना, मेरा बेटा है। तू यहाँ छुपा बैठा है? तू यहाँ छुपा? इसके सर पे बहुत खलीफा भूत है। ये हरकतें कुछ जानी पहचानी लग रही हैं। इसके सर पे बैठा हुआ है क्या है? तू यहाँ क्या कर रहा है? तू इसकी जान लेगा? इसकी जान लेगा? मैं तुझे जान से मार लूंगा। अरे आचार्य आत्मानंदी होते हुए तू इसकी जान लेगा? क्या बोलता है? इसके बाप की भी जान लेगा? इसका बाप कौन है? मैं हूँ, और कौन है? तू है अमान, ये तेरी भी जान लेगा बोलता है? नहीं, मेरे होते हुए तू इसकी जान नहीं ले सकता। युद्ध होगा, जंग होगी। युद्ध होगा, जंग होगी, वॉर होगी, लड़ाई होगी। जला डालूंगा, भस्म कर डालूंगा। अग्नि जलाओ, अग्नि जलाओ, अग्नि जलाओ, अग्नि जलाओ। अरे पंडित जी अग्नि नीचे है, पर आप ये डिस्को क्यों कर रहे हो? इसलिए कर रहा हूँ डिस्को ताकि तुम दुनिया से ना खिसको, ताकि तुम दुनिया से ना खिसको। खांसी। ये हमारे मिर्ची क्यों लग रही है? तुम्हारे अंदर भूत प्रेत आत्माएं बसी हुई हैं। खांसते रहो, आंसू बहाते रहो, कान से आवाज निकालो, घुटने से खांसते रहो, पता नहीं शरीर की कौन सी सड़क से भूत निकल जाए। ये आवाज कैसी है? है तो भूत प्रेत की आवाज, मगर ऐसे सुर में आवाज निकलते हो पहली बार सुना है। राम, अरे ये तो तमंचे की आवाज है भैया। अबे भूत प्रेत के बच्चे की आवाज है। ये क्या हो रहा है? कौन गोलियां चला रहा है? ढूंढ डालो सारों को।
ये तो साक्षात यमराज आ गए। अब तो आपका डेफिनेट सत्यानाश। सर मैं मुझे माफ कर दो देवा, मैंने तो परशुराम के बहकावे में आ गया था। परशुराम? हाँ परशुराम, वो तुम्हें कमिश्नर के जंगल में बसाना चाहता था। क्यों? उसे पता चल गया था कि तुम उसकी तलाश में हो। तुम्हारे बहनोई का कत्ल परशुराम ने ही करवाया था। नथु को तुम्हारे रिश्ते का पता चल गया था, उसने मंदिर में तुम्हारी बहन को प्रशांत कापे के साथ देख लिया था।